एनिमे वाइफो किलिंग आवर यथ। इस कंट्री के लोगों को सेक्स करने का मन ही नहीं करता या इनको आता ही नहीं है। कैसे एनिमे ने इनको मर्द बनाया। सो हेलो फ्रेंड्स, भूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो आप सभी परेशान हो रहे होंगे कि आज सनातनी भाई आज फुल मोड में लग रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि एनिमे के आने से इस कंट्री में कैसे बंदे मोड में आ गए। तो आखिर ये कहानी शुरू हुई कहाँ से? तो एनिमे रिलीज होने से पहले इस कंट्री की गवर्नमेंट टेंशन में आ गई थी, क्योंकि इस कंट्री में सेक्स को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। तो इससे गवर्नमेंट को क्या परेशानी आ रही है? गवर्नमेंट इसीलिए परेशान थी क्योंकि उनकी पावर खत्म हो रही थी। मेरा मतलब है यूथ जनरेशन से, यंग वर्कफोर्स की कमी से कंट्री पीछे की ओर जा रही थी और ये प्रॉब्लम एवरी ईयर इंक्रीज हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट ने बड़ा ही इनोवेटिव निकाला है, क्योंकि जापान में कॉमिक्स पहले से ही बहुत फेमस थी, तो इन्होंने अब एनिमे का सहारा लिया। पर वो कैसे? वो ऐसे कि एनिमे में इन्होंने हर एक चीज़ इंक्लूड की जो शायद एक एनिमेशन में नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ भी। तो एग्जांपल के लिए एनिमे गर्ल्स, उन्होंने एनिमे गर्ल्स को अनरियलिस्टिक वे में इतना हॉट एंड सेक्सी बना दिया ना कि इसका असर अभी तक जापान की सभी लड़कियों पे हो गया है। हाय उनका ड्रेसअप और उनकी क्यूट क्यूट हरकतें, हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा तो हम कहाँ थे? हम तो एनिमे में हर वो सीन ऐड किया जो बहुत ही सिडक्टिव है। हम तुम तो फाइट एनिमे देखते रह गए, पर जापान के लौंडे इस चीज से चार्ज होने लग गए, तो जैपनीज बॉर्न सेंसर्ड है, वहां पे आ गया हेंटाई। और इसको देखने के लिए हमारे लौंडे पागल है और इन्हीं फैक्टर्स का फायदा उठा के एनिमे में गर्ल्स को भाई बहुत ही सिडक्टिव दिखाया है, और उनकी मर्चेंडाइज भी ऐसे ही एनिमे की सिडक्टिव सीन्स को यूज किया गया है, ताकि जाने अनजाने में इन चीजों से इन्फ्लुएंस होके जापान का यूथ सेक्स में थोड़ा इन्वॉल्व हो। हमारे बिरजुआ को देखो ना, 10 मुट्ठी मारता है दिन की, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बिरजू को ले जाते, वो इस काम में माहिर है, एक दिन में 100 बीज बो देता अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, मजाक साइड में, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भूम शंकर महादेव।